Now we will begin with the question number 10 of CF and SFM chapter 12 forex. You sold Hong Kong dollar 1 crore value spot to a customer at rupee 5.70 and covered yourself in the London market on the same day when the exchange rate was 1 US dollar equal to Hong Kong dollar 7.580, that is bid rate, and 7.5920, that is ask rate. And local interbank market rate for US dollar spot 1 US dollar equal to rupee 42.70, that is bid rate, and 42.85, that is ask. Calculate the cover rate and ascertain the profit or loss in the transaction in our brokerage. देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि यू सोल्ड, मतलब यू क्या, कोई कस्टमर है, मतलब बैंक के लिए कस्टमर, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं सागर. सागर ने क्या किया, सागर ने $1 करोड़ सोल्ड किया. कितने रेट में? 5.70, मतलब तो ये रुपी 5.70 रुपी के हिसाब से तो कितना हो गया 5 करोड़ 70 लाख. ठीक है, इतना में मैंने सोल्ड किया. अब मुझे ये पता करना है कि मैंने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया. एक सिंपल सा लॉजिक है कि प्रॉफिट किया है कि लॉस किया. तो मैं देखूंगा कि यूएस मेरे को एक हांगकांग डॉलर रेट दे रखा है, 1 यूएस डॉलर इक्वल टू हांगकांग डॉलर कितना है और 1 यूएस डॉलर इक्वल टू रुपी कितना है. तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है ना, ये क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट है. बिकॉज दो करेंसी रखी है, मुझे काम किसका है, मुझे तो हांगकांग डॉलर का काम है और मुझे रुपी का काम है. यूएस डॉलर तो ऐसे ही दिया हुआ है लेकिन कैसे नहीं दिया हुआ, उसको अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा. अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रुपी बाय हांगकांग डॉलर का रेट क्या है. बिकॉज ये हांगकांग डॉलर है तो मैं बेस करेंसी हांगकांग डॉलर मान लेता हूँ, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक्चुअली ना मल्टीप्लाई किया करना पड़ा इनको, तो हिसाब से मैं भी सेम ही ट्रीटमेंट करूंगा तो ही तो प्रॉफिट मिलेगा मुझे. तो देखो अब इसमें क्या दे रखा है कि 1 US डॉलर इक्वल टू 42.70 रुपये, ये मेरा बिड रेट है, और 42.85 ये मेरा आस्क रेट है. ठीक है, और 1 US डॉलर इक्वल टू हांगकांग डॉलर जो दिया हुआ है वो है 7.5880, ये बिड रेट है, और 7.5920 ये मेरा आस्क रेट है. सिंपल ये कर लिया अपने. अब देखो मुझे काम किसका है, मुझे रुपी का काम है और मुझे हांगकांग डॉलर का काम है. ठीक है, तो एक्चुअली मुझे रेट किसका चाहिए, रुपी बाय यूएस डॉलर लिखूंगा तो मैं ऐसे ही, और हांगकांग डॉलर बाय यूएस डॉलर. ये क्रॉस करेंसी में आपको पता ही है, यूएस डॉलर यूएस करेंसी हो गया. तो अब मुझे इसका बिड और आस्क निकालना है. तो मैंने आपको बताया था पहले भी, कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है मैंने कि ये 42.70 बिड रेट में ऐसे ही लिखूंगा और 42.85 ये आस्क रेट भी मैं ऐसे ही लिखूंगा. ठीक है, लेकिन जब क्रॉस करेंसी का क्वेश्चन आता है और जब भी डिवीजन वाला फॉर्मूला लगता है तो जो ये आस्क रेट है वो इधर आएगा 7.5920 इससे डिवाइड होएगा और जो बिड रेट है वो इधर आएगा 7.5880. अब देखो यहाँ तो समझ में आ गया अपन को, लेकिन अब रेट कौन सा लूं मैं, बिड रेट लूं या मैं आस्क रेट लूं, ये इंपॉर्टेंट है. अब देखो इसमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो कि यू सोल्ड मतलब एक सागर ने सोल्ड किया है उसके कस्टमर को. इसमें बैंक की तो बात ही नहीं आई अभी तक. इसमें क्या है कि सागर ने सोल्ड किया है उसके कस्टमर को 5.70 में. तो सोल्ड किया तो सागर को 5 करोड़ 70 लाख मिल गए, लेकिन उसको बाय भी तो करना पड़ेगा पता करने के लिए उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. तो वो बैंक से बाय करेगा. ठीक है, अब एक इसमें देखो कि बेस करेंसी क्या है, हांगकांग डॉलर बेस करेंसी, इतना आपको पता चल रहा है. मैं कस्टमर हूं और बैंक, मैंने हमेशा आपको बोला है कि बैंक के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है आपको, बैंक के पर्सपेक्टिव से. अब देखो उसने जो कस्टमर है सागर ने, उसके कस्टमर को हांगकांग डॉलर सोल्ड किया है. अगर उसने हांगकांग डॉलर सोल्ड किया है तो उसको हांगकांग डॉलर बैंक से बाय करना पड़ेगा. अगर वो बैंक से हांगकांग डॉलर बाय करेगा बेस करेंसी के हिसाब से, कस्टमर बैंक से हांगकांग डॉलर बाय कर रहा है, तो कस्टमर जब हांगकांग डॉलर बैंक से बाय करेगा तो ज्यादा वाला रेट पे बाय करेगा, और बैंक हांगकांग डॉलर सेल करेगा तो वो ज्यादा वाले मतलब जो ज्यादा रेट होगा उस पे सेल करेगा. तो बैंक जब सेल करेगा हांगकांग डॉलर, तो बैंक का आस्क रेट सेल रेट कौन सा होता है, ये वाला रेट होता है 42.85. और कस्टमर का भी मैंने आपको पर्सपेक्टिव बताया था पहले क्वेश्चन में कि जब भी कस्टमर सेल करेगा तो बैंक में सेल करेगा, तो दोनों कंडीशंस मैच होगी तो अपन को पता लगेगा कि रेट कौन सा है 42.85/7.580. तो मुझे ये रेट मिल जाएगा 5.6471.
मतलब जो सागर है कस्टमर, उसने इतने में बाय किया 5.6471 ने और उसने सोल्ड किया 5.70 में, ठीक है। तो उसको अपन पता चल रहा है कि जब मैंने बाय किया है 5.6471 में, यही है ना, 5.6471 में, और जो मैंने सोल्ड किया है 5.700 में, उसका जो डिफरेंस आएगा, सॉरी ये डिफरेंस आपको मिलेगा, मैं बताता हूँ एक बार, कैंसिल है नहीं, दो मिनट, ये डिफरेंस है 5.7 माइनस 5.6471, तो 0.0 0.0529, इतने का कस्टमर जो सागर है उसको प्रॉफिट हो रहा है। कैसे प्रॉफिट हो रहा है? उसने बाय किया 5.6471 में बैंक से।